हमारे देश में यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहा है कि ये ओलंपिक विजेता लड़कियां मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और 28 तारीख को 7 दिन में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट देनी थी। वो रिपोर्ट न देने का एक षड्यंत्र है और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये जानबूझ के कराया गया। लेकिन इससे और बड़ी बात आप सब देशवासियों को समझनी चाहिए, हमारे देश में यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहा है कि ये ओलंपिक विजेता लड़कियां मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं। ये कैसे, इसका मतलब, और नरेंद्र मोदी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये पहलवान लड़कियां मेरे खिलाफ लड़ रही है, मेरी सरकार के खिलाफ लड़ रही। ब्रजभूषण शरण सिंह जो जो दावा कर रहा है उसका कतई भी खंडन अभी तक ना तो नरेंद्र मोदी ने किया, ना अमित शाह ने किया, ना जेपी नड्डा ने किया। इसका मतलब यह हुआ कि 3-4 महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। एक, यौन शोषण करने वाले को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा का खुली छूट रही है। दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा की कोई ऐसी कमजोरी है जो इसकी मुट्ठी में कैद है, ब्रजभूषण शरण सिंह की, जो उसने 20 जनवरी को भी दावा किया था कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा। तो उस सुनामी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा क्या बह जाने वाले हैं, तहस नहस हो जाने वाले हैं, एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अब खड़ा किया कि यह सारी की सारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इन लड़कियों का बड़ा दावा है और खास करके जब अंडर एज की थी तब की लड़कियों के शोषण का जो जिक्र आ रहा है, उस जिक्र को करते हुए मैं ये तमाम जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि मर्यादा होती है, उन सब बातों के तह पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात कि लड़कियां यौन शोषण की शिकार नरेंद्र मोदी को मिली है, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट का परिवार, माँ और भाई भी साथ था। विनेश ने यह दावा किया कि तब मैंने प्रधानमंत्री को यौन शोषणकर्ता के खिलाफ इशारे में बात की थी। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब विनेश का यह आरोप भी 100% सत्य है। लेकिन आज रात ये जो घटनाक्रम किया गया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को आपको और हमको समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी दावा किया था, आज भी कह रहा हूं, एक अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी इस मसले पर सुनवाई के दौरान गंभीरता के साथ में अगर फैसला सुनाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तत्काल कानून ये कहता है कि जिन पुलिसकर्मियों ने यौन शोषण के खिलाफ लिखी शिकायत का संज्ञान लेके एफआईआर में तब्दील नहीं किया, ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो बेंच थी उसकी जिम्मेवारी बनती थी, उन पर मुकदमा करके उन्हें तिहाड़ भिजवाना था।